तो दोस्तों, दिल्ली से गोवा रेल सफ़र का आज हमारा दूसरा दिन है और इस टाइम पर हमारी जो ट्रेन है बम्बई से और रत्नागिरी के बीच में चल रही है। तो यहाँ से कोंकण रेलवे का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो कोंकण रेलवे के रूट पर आप जब भी यात्रा कर रहे हैं रेलवे पर, तो आप कोशिश करिए एक बार बारिश के मौसम पर ज़रूर आना है यहाँ पर। जब बारिश के मौसम में आओगे आप तो बिल्कुल जो कोंकण रेलवे की हरियाली अच्छी लगेगी, और यहाँ पर जो ट्रैक के बगल में आपको बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। दो तीन वाटरफॉल तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में जो प्रसिद्ध है, मैं आपको उनको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर कोंकण रेलवे का जो ड्रेस कोड है रेलवे का, वो बिल्कुल भारतीय रेलवे से अलग है। तो इस टाइम पर ये रेलवे की जो टनल है उसके अंदर से ट्रेन गुजर रही है, और कोंकण रेलवे में टोटल 92 के करीब रेलवे टनल है, और यहाँ पर छोटे से बड़े पुल है वो 1,000 के करीब है कोंकण रेलवे का। तो जब भी भारतीय रेलवे ने इसको तैयार किया है उसमें बड़ी मेहनत लगी है। तो इसका फुल वीडियो मैंने पहले बना दिया है। इसकी एक जो टनल है वो 6.5 किलोमीटर लंबी है, तो उसका फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार अवश्य देख लें। आधा शॉट मैंने लिया नहीं है। आप देख सकते हैं, देख बिल्कुल पानी, तो ये धीरे धीरे बिल्कुल रेलवे ट्रैक के साथ साथ में देखो साफ़ सुथरा पानी जा रहा है, और छोटे नालों के साथ में मिलकर ये नदी में जाकर मिल रहा है, और साथ में ही 400-500 मीटर की दूरी पर बीच बीच में दिखाई देता है समुद्री किनारा। तो कोंकण रेलवे के साथ साथ में समुद्री किनारा लग के चल रहा है एक साथ में, तो आपको बीच में देखने को भी दिखाई देता है। तो ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी हुई है क्योंकि सिग्नल लाइन होने की वजह से यहाँ पर क्रॉसिंग है, तो ये पहले उस ट्रेन से पहले आप पहुँचिए इसलिए इसको रोक दिया है, और जो सामने से आएगी ट्रेन वो थ्रू लाइन से निकाल दी जाएगी। और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ बिल्कुल पहाड़ी पर बादल, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जाने पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, और ये छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन है, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है।
और साफ सुथरा है बिल्कुल। तो स्टेशन का नाम देखिए बिन्हेरी रेलवे स्टेशन है। गाड़ी क्रॉसिंग हो रही है, ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है और ट्रेन चल पड़ी है। और आप देख सकते हैं रत्नागिरी की पहाड़ियाँ और मानसून सत्र में कितना प्यारी लग रही है देखने से। तो रत्नागिरी रात के 9:40 पर आएगा।
ये टनल में जा चुकी है। IRCTC की जो इसमें सर्विस होती है वो दोनों टाइम का खाना नाश्ता के अलावा भी ये सर्विस इनकी चालू रहती है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लेना होता है, जैसे आपने टिकट में जो मेनू है इनका, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेना होता है, जैसे चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक के कुछ भी इनसे आपको परचेज करना होता है, उसका आपको पे करना पड़ेगा। बाकी जो खाना और सुबह का नाश्ता और दोपहर का नाश्ता वो तो आपके टिकट में ही ऐड हो जाता है। और जो इनके पूरा स्टाफ है IRCTC का, इनका व्यवहार हमको काफ़ी अच्छा लगा, दो दिन से देख रहे हैं। तो ये IRCTC की सर्विस है इसमें। तो इस टाइम पर IRCTC के जो कर्मचारी है, ये अपने जो कोच है उसमें यात्रियों को खाना सप्लाई करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं सारी जो प्लेट है उन पर वेज नॉन वेज के हिसाब से इन्होंने सेट कर रखा है। और अपने टाइम से पहले ही 10 से 20 मिनट पहले ही खाना दे देते हैं यात्रियों को। तो देखिए भाई खाना लेके जा चुका है यात्री को अपनी सीट पर।
तो इस पर कोच में करीब 4 से 5 सदस्य होते हैं एक कोच पर। एक अटेंडर है, ये भाई अटेंडर है इस कोच का। बाकी 3 वो हैं जो खाना सप्लाई करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। हर कोच में 3 से 4 मेंबर होते हैं। ये मेरा खाना है, मेरी शीट पर दे चुके हैं। अब मैं आपको इसमें ओपन करके दिखा देता हूँ कि आज के मेनू में क्या मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसमें मेरे को एक दही है, चावल है और दाल की सब्ज़ी है, ये रसगुल्ला और पनीर की सब्ज़ी है। अब इनके जो इस टाइम पर जो खाना आया हुआ है तो शायद ये पनवेल से चंडा होगा, तो इनने यहाँ पर सप्लाई कर दिया है। अब दाल का कुछ शकल देख के लग नहीं रहा कि ये अच्छी लगेगी, आप भी देख सकते हो देखने में तो अच्छी लग नहीं रही है। और ये रसगुल्ला है, एक्स्ट्रा मन को पहली बार देखने को मिला है आज रात में। दिन में मीठे में सिर्फ आइसक्रीम थी। और ये टॉप्स का अचार है, मिक्स अचार। तो वहाँ पर अगर अचार से खाना चाहते हो, चावल या रोटी, तो खा सकते हो। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर आ गए, तो अब यहाँ पर इस टाइम पे 9:30 हो रहे हैं और ये रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर आके पहुँची हमारी ट्रेन। ठीक है, रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी लास्ट जर्नी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, मड़गांव गोवा रेलवे स्टेशन। आप मेरे पीछे साइन बोर्ड देख सकते हैं मड़गांव का, और जो मेरे पीछे ट्रेन खड़ी है दुरंतो एक्सप्रेस, हम इसी से आए हुए हैं। तो ये 10 मिनट के करीब हो गया है पोस्ट ऑफिस। और सॉरी, मैंने पहले आपको राजधानी एक्सप्रेस बोल दिया था, हालांकि हमारा राजधानी एक्सप्रेस में वापस जाने का टिकट है, इसलिए गलती से याद नहीं रहा और वो राजधानी एक्सप्रेस बोल दिया था मैंने। तो इससे को यहाँ पर रुके करीब 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। अब हम बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाएंगे। ये 2 पे खड़ी हुई है और मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए बोल रहा है। तो हम चलते हैं। अब आगे हम सवेरे वीडियो बनाएंगे क्योंकि रात काफ़ी देर हो गई है। तो ये दुरंतो एक्सप्रेस, ये एर्नाकुलम और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। ये दुरंतो एक्सप्रेस में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली दुरंतो एक्सप्रेस है। तो फाइनली हम अपने जो लास्ट जर्नी है उस पर उतर के हम अब इस रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। मेरे पीछे महेश भाई आ रहा है, तो वो भी किसी से फ़ोन करके बता रहा है कि पहुंच चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं सवेरे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट।